सुमेर सागर ताल पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में सुमेर सागर पोखरे पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाया गया। इस दौरान बनाए गए कुछ अस्थायी गोदामों को भी बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अस्थायी रूप से बनाए गए मकानों को एक सप्ताह का समय दिया गया है कि वे अपने मकानों को खाली करा दें, इसके बाद उसे भी ध्वस्त किया जाएगा। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सुमेर सागर ताल को जल संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पोखरे की खुदाई भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। सुमेर सागर पे जो हमारा अभियान फरवरी से स्टार्ट चल रहा था, आज फिर से कुछ बच्चे कुछ वहाँ रह गए थे उनको हटाया गया, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे और उनको वहाँ से हटाया गया। कुछ लोगों को और टाइम दे दिया गया, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जहाँ पे रेजिडेंट हैं वो उनको हटाने के लिए 7 दिन का हमें समय दिया है। आज 3 दिन हो चुके हैं, कल 4th दिन है, तो उनको बता दिया गया है कि आप यहाँ से हटा लें। ताल की ज़मीन है और इस ताल को हम मूल प्रकृति में लेके आएंगे, जो इसका नेचर है और उसकी खुदाई भी हमने स्टार्ट करवा दी है, तो इसको एक मॉडल तालाब के रूप में पेश किया जाएगा गोरखपुर में। जन सहयोग से किस तरीके से एक मॉडल तालाब बन सकता है, गोरखपुर पहला हमने जो स्टार्ट किया जन सहयोग से जन स्वामित्व की ओर, तो उसी के संदर्भ में आज ये अभियान चलाकर पहले तो इसको अतिक्रमण हटवाया जाएगा और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि एक पर्यटन स्थल के रूप में और एक वाटर जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हो। डीएम सर के निर्देशन में ये सारा कार्य चल रहा है।